ये है ब्रेकडाउन, स्किल के ब्रेकडाउन, ये होना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सारी जितने भी फ्री होते हैं, जितने भी हमारे, आ जाओ बैठ जाओ प्लीज सीट डाउन, चाहे वो आर्ट डायरेक्टर हो या सिनेमाटोग्राफर हो या कोई भी हो, उसको ये ब्रेकडाउन बहुत ज़रूरी है, लोकेशन वाइज ब्रेकडाउन। और फिर कास्टिंग वाले अपने हिसाब से ब्रेकडाउन बनाते हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो एक ब्रेकडाउन होता है जो सभी को हेल्प करता है वो ये, दिस इज़ द ओरिजिनल ब्रेकडाउन, स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन, जस्ट ए सैम्पल, शादीराम घर जोड़े स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन। तो सीरियल नंबर है, फिर सीन नंबर है, लोकेशन है, पिक्चर व्हीकल है कि अगर उस पिक्चर में उस सीन में कौन कौन से व्हीकल इस्तेमाल हो रहे हैं, स्कूटर है, मोपेड है, बाइक है, कार है, सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल यू राइट द क्वांटिटी ऑफ एंड क्वालिटी एंड द काइंड ऑफ व्हीकल्स, तो आर्ट डायरेक्टर उसको अरेंज नहीं करेगा, कोई अरेंज नहीं करेगा, जब तक आपको कहेगा आपने लिखा ही नहीं तो हमने कैसे अरेंज करेगा। तो वो सब माइन्यूटली आपको हर सीन पढ़ना है उसके लिए, दिस इज़ बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर्स वर्क, जो असिस्टेंट टीम डायरेक्टर्स के जो असिस्टेंट होते हैं वो इस चीज़ को करते हैं। तो ये आना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आप जब भी किसी को असिस्ट करने जाएंगे तो पहला काम आपको यही देंगे, क्लैप बॉय के अलावा, क्लैप का भी काम रहता है, ये भी रहता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो उसमें हमने जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन दिया, अब लोकेशन है, रोड कितनी लोकेशन है, हो सकता है पहले सीन में दो तीन लोकेशन हो, इंट्रोडक्शन था इसलिए कई लोकेशन है, अदरवाइज एक ही लोकेशन रहती है, रोड ये लोकेशन है, पिक्चर व्हीकल्स में दो हो गई, रैंडम व्हीकल्स, अगर एक जो नाव की जो हीरो मोपेड है वो तो नाव वो तो रहेगी रहेगी वो रहेगी, दैट इज़ द परमानेंट व्हीकल, इसी तरह कोई कार भी हो सकती है। जब हम रैंडम व्हीकल से लिखते हैं तो इसका मतलब आर्ट डायरेक्टर या जो भी होता है ट्रांसपोर्ट वाला वो ये समझ जाता है कि हमें कुछ व्हीकल से तरह तरह के और भी अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, हो सकता है कार है, बाइक है, पासिंग शॉट्स वगैरह के लिए, तो वो हमें देना ज़रूरी है, रैंडम व्हीकल्स उसके लिए लिखते हैं। तो ये सारे आप लिख लो ऊपर वाले जितने हैं चीज़ें, क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर व्हीकल्स हो गया, लोकेशन हो गया, सीन नंबर, एक्सेसरीज हो गया। देखो इसमें पिक्चर व्हीकल्स और एक्सेसरीज में डिफरेंस है, एक्सेसरीज आर्ट डायरेक्शन के अंडर में आता है और जो व्हीकल्स है वो ट्रांसपोर्ट वाले करते हैं, लेकिन कभी कभी आर्ट डायरेक्टर भी करते हैं। तो इसलिए एक्सेसरीज में सिर्फ आर्ट डायरेक्शन या प्रॉप्स जिनको बोलते हैं, प्रॉपर्टी, एक टेलीफोन पुराना चाहिए, ठीक है, एक हो सकता है पुराने ज़माने का कंप्यूटर चाहिए, या जो ये लैपटॉप चाहिए, फ़ोन चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज में आएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट्यूम का हो गया, भाई उसमें मेन एक्टर्स कितने हैं और क्या क्या कॉस्ट्यूम पहन रखा है, तो एक हमने दे दिया फॉर्मल टेलरमेड सूट एंड पैंट, बाटा चप्पल, ओरिजिनल रिंग्स, कलावा, ये मत्थे पे तिलक, क्रिकेट राउंड एंड लॉन्ग कॉट बूट, लॉन्ग बियर्ड, ओल्ड जीन्स, ये सारी चीज़ें हमने एक उसके लिए दे दिया। बाकी कास्ट्यूम वाला तो स्क्रिप्ट पढ़ के करता है, लेकिन ओवरऑल इसको एक छोटा सा वो मिल गया, व्यू मिल गया, अच्छा अच्छा इस सीन में हमें ये करना है कास्ट्यूम वाले को। फिर उसके बाद आता है वन लाइनर, वन लाइनर में हमें लिखना है कि सीन का क्रक्स क्या है, सीन की मेन चीज़ क्या है। तो सीन का जो मेन पार्ट है उसको हम वन लाइनर में करते हैं, इंट्रो ऑफ शादीराम, यानी शादीराम जो करेक्टर है उसका हमें इंट्रो दिखाना है। बाकी करेक्टर्स उस सीन में कितने, हाउ मेनी करेक्टर्स आर इन दैट सीन, यू हैव टू राइट डाउन दैट। तो इसमें मैडमैन है, दुकानदार, सब्जी वाला, पुलिसमैन, गार्ड, एक्स्ट्रा क्राउड, क्राउड का भी लिखना पड़ता है, शादीराम, ऑफिस स्टाफ, सविता एंड किरण, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ये करेक्टर्स मेन मेन हो गए। अब ये ड्यूरेशन निकालना बहुत ज़रूरी है ब्रेकडाउन में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप स्क्रिप्ट पूरी पढ़ते हो तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये सीन इतना बड़ा है, तो ये हाउ डू यू टेक दैट ड्यूरेशन, हाउ डू यू रीच दैट ड्यूरेशन, कैसे ड्यूरेशन निकालेंगे, डायलॉग पढ़ के। आपको जिस तरह से करेक्टर डायलॉग को बोलता है उसी तरीके से डायलॉग को पढ़ना है, उससे आपको ड्यूरेशन पता चल जाएगा। मान लिया अगर 2 मिनट से ड्यूरेशन है तो उसमें थोड़ा सा हमने 1 मिनट और ऐड कर लिया वो स्क्रीन प्ले का, के पूरा सेटिंग है, तो उससे हम 3 मिनट पे आ गए, या अब जिस इसमें 5 मिनट है तो उन्होंने 5 मिनट की ड्यूरेशन, इस तरह करते करते ये टोटल जो है, टोटल इनको ड्यूरेशन जो है मालूम पड़ जाता है। फिर यहाँ पे टोटल कर लेंगे कि 2 आवर्स 20 मिनट्स की फिल्म हो रही है या इतने मिनट की हो रही है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं।
सीन 43 प्रीति होम इंटीरियर, ये आ गया। वेदू टेल्स भंडारी अबाउट प्रीति एंड लकी, ये वन लाइनर हो गया। कितने करेक्टर्स वो हो गए, ठीक है, ड्यूरेशन हो गया। इस तरीके से सारे सीन वाइज टोटल जितने भी 76 में 72 सीन्स हैं या 68 सीन्स हैं, तो ये सारा उस तरीके से लिखना है। ये कभी कभी ए बी सब कोचिंग सेंटर, ये सारी लोकेशन है, ये ओवरऑल ब्रेकडाउन है। दिस इज़ द ओवरऑल ब्रेकडाउन। इसके बाद कास्ट्यूम वाला अपनी ब्रेकडाउन बनाएगा, आर्ट डायरेक्शन अपनी ब्रेकडाउन बनाएगा, सबकी अपनी इंडिविजुअल ब्रेकडाउन होगी, लेकिन दिस इज़ द ब्रेकडाउन सप्लाइड बाई डायरेक्शन टीम टू एवरी क्रू मेंबर, अ क्रू हेड, उनको हमें ये देना है। ये है, अब इसको क्लोज करते हैं और मैं इसमें ये स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन के बाद आप शुरू करते हैं आज की क्लास। आज अभी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, ठीक है, और नाउ कम टू टेक्निकल पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सिनेमाटोग्राफी, क्योंकि सिनेमाटोग्राफर ही डायरेक्टर के विजन को ट्रांसलेट करता है स्क्रीन पे। तो ही इज द राइट हैंड, इज द राइट हैंड ऑफ अ डायरेक्टर। सिनेमाटोग्राफर इज द राइट हैंड ऑफ डायरेक्टर। अगर सिनेमाटोग्राफर आपका अच्छा है तो आपका 50% वार इज ओवर, और अगर खराब है तो वो काम नहीं हो पाएगा, फिर अच्छा काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रीन कलर एंड लाइटिंग टोन, डिपेंड ऑन दी जोनरा ऑफ स्टोरी, यानी स्टोरी का जोनरा क्या है, किस क्वालिटी की स्टोरी, हॉरर है, साइंस फिक्शन है, या एक्शन है, या क्राइम है, थ्रिलर है, या सस्पेंस है, उस पर डिपेंड करेगा कि स्क्रीन का टोन क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा। डायरेक्टर्स विजन, सिनेमाटोग्राफर्स स्टाइल, रिजल्ट विजुअल स्टोरी टेलिंग, ब्रीफ टू कैमरामैन, लाइटिंग फील, स्क्रीन टोन, साइकोलॉजिकल शॉट्स। ये हमें ब्रीफ देना है कैमरामैन कि भाई हमारी लाइटिंग फील ये रहेगी, स्क्रीन टोन ये रहेगा, साइकोलॉजिकल शॉट्स ये रहेंगे हमारे। तो क्योंकि स्टोरी जो है, जो स्टोरी राइटर है, जिस तरीके से उसने स्टोरी लिखी है, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रीन एज इट वॉज रिटन, एज इट वॉज कंसीव्ड। तो जिस तरह से राइटर ने कंसीव किया है, डायरेक्टर का विजन रहा है, उसी तरह से वो ट्रांसलेट होना चाहिए स्क्रीन पे, अदरवाइज वो पुअर ट्रांसलेशन, इट विल लुक लाइक ए पुअर ट्रांसलेशन। ये है, दिस इज द लाइटिंग ट्रीटमेंट एग्जाम्पल। अब ये अभी शादीराम घर जोड़े जिसकी स्क्रिप्टिंग मैंने की है, उनके डायरेक्शन की ट्रीटमेंट है, लाइटिंग ट्रीटमेंट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ये तीन को कट किया और बोला इसका ये करेक्टेड वर्जन है, ये करेक्टेड वर्जन नहीं है, इससे मैच नहीं कर रहा, ये तीन अलग जा रहे थे, तीन शॉट अलग जा रहे थे। पूरी इंटायर फिल्म का जो विजुअल टोन है, इंटायर फिल्म का वो सेम रहना चाहिए, इट शुड बी सेम। तो इसलिए जो कलर है स्क्रीन का वो सेम रहना चाहिए अक्रॉस द फिल्म। कभी भी आप कोई भी फिल्म उठा के देख लो, पूरी फिल्म का स्क्रीन टोन सेम रहता है, अदरवाइज स्क्रीन टोन अगर सेम नहीं रहेगा तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगा लोगों को, ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करेगा। अब आ जाइए, दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ शॉट्स। बेसिकली जब राइटर स्क्रिप्ट लिखता है तो वो तो जब लिखता जाता है, बट डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि करेक्टर के साइकोलॉजी को, इनर फीलिंग को अगर हम स्क्रीन को उतारते हैं तो एक नॉर्मल शॉट ऐसे कैमरा लगा दिया तो वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि हम इंटरव्यू तो ले नहीं रहे हैं, हम किसी का इंटरव्यू तो ले नहीं रहे हैं, ये कुछ और चीज़ है, हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, फिक्शन है, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। तो वो शॉट आगे किस शॉट से ये सीन ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनेगा, अगर आपने हमें कोई ये शॉट लेना है, लो एंगल लेना है, आपने हाई या हाई एंगल ले लिया, खराब हो गया शॉट, तो कैमरामैन, यहाँ पे जितने भी सिनेमाटोग्राफर बैठे हैं, उनको खूब पढ़ना चाहिए,
जब आप फिक्शन पढ़ोगे, जब आप बुक पढ़ोगे, तब आपके अंदर वो चीज़ आएगी कि ये शॉट अगर हम लेंगे, अगर महान सिनेमाटोग्राफर बनना है, ये शॉट लेंगे तो इससे ये स्टोरी पे ये शॉट जस्टिफाई करेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू आर द सिंगल कॉपी क्रिएटेड बाय गॉड, देयर इज नो अदर कॉपी गोइंग टू कम। तो इसलिए सबसे पहले जो मंत्र है लाइफ की वो ये है, किसी की नकल करना छोड़ दो, बिकॉज यू आर द सिंगल कॉपी क्रिएटेड बाय गॉड। तुम्हारी कोई कॉपी ना बनी है ना बनेगी कयामत तक, ठीक है। तुम इकलौते पैदा हुए हो और अपने आप को तुम्हें पहचानना है, अपने आप को पहचानना है और अपना ही काम करना, किसी की नकल नहीं करनी तुम्हें, और अपने से ही कम्पीट करना। ये बिल्कुल गठिया के रख लो आप लोग, दिस इज द लाइफ मंत्रा, कम्पीट अगेंस्ट योर सेल्फ ओनली, विथ योर सेल्फ ओनली। किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हमें जितना गॉड ने दिया है, जितना हमने सीखा है, हम अपने हिसाब से काम को करें, हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं करते हैं, हमें जो आता है हम वही करें, ठीक है। आई एम कम्पीटिंग विथ माई सेल्फ। तो दिस इज द, आप ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसको डच एंगल शॉट भी बोलते हैं, रशियन एंगल शॉट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। क्यों रशियन शॉट से भी बोलते हैं डच एंगल, किसको इसको मालूम था, यहाँ पे पता था जी, गुड। डच एंगल क्यों दिखाया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डच एंगल और रशियन एंगल, रशियन शॉट? ये फिल्मों में कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा नहीं इस्तेमाल किया। साइकोलॉजिकल ट्रबल अगर उस कैरेक्टर, हाँ गुड, बेसिकली क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन, दिस एंगल इज यूज टू शो क्लॉस्ट्रोफोबिया। करेक्टर की या सीन की या सरकमस्टांसेस की जो टर्बुलेंस है, उस चीज को दर्शाने के लिए हम डच एंगल इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम नहीं यूज करते। फाइट सीक्वेंस में आप यूज कर सकते हो या और कहीं इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी टर्बुलेंस दिमागी टर्बुलेंस दिखा सकते हो, करेक्टर की सीन की टर्बुलेंस दिखा सकते हो। तो दिस इज टू शो क्लॉस्ट्रोफोबिया, कि लोग ऑडियंस ताकि डिस्टर्ब हो जाए वहां पे। जब ये ऐसे शॉट्स देखती तो ऑडियंस डिस्टर्ब होती, क्योंकि करेक्टर्स आर डिस्टर्ब तो ऑडियंस को भी डिस्टर्ब होना जरूरी है। अगर ऑडियंस डिस्टर्ब नहीं करेगी तो सिंक नहीं होगा करेक्टर के साथ में, तो फिर वो स्टोरी में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा ऑडियंस, इसलिए हम डच एंगल लेते हैं वहां पे। अब ये नॉर्मल शॉट्स हैं, जब भी आप शूटिंग करते हो किसी चीज को, आप सीन को या फिल्म को या शॉर्ट फिल्म कुछ भी बनाने या डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करते हो, तो हम शुरुआत करते हैं वाइड एंगल से। ये इस्टेब्लिशिंग शॉट भी बोलते हैं एडिटिंग लैंग्वेज में, हम किसी चीज़ को पहले इस्टेब्लिश करते हैं ताकि करेक्टर को, ताकि ऑडियंस को ये पता चल जाए कि भाई ये इस्टेब्लिशिंग शॉट है, हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं। इसके बाद फिर आप क्लोजअप, मिड शॉट, ओवर द शोल्डर शॉट और शॉट की तरफ जाते हैं। तो वाइड शॉट प्रोवाइड ओवरऑल कंटेक्स्ट, एटमॉस्फियर एंड सेटिंग ऑफ द सीन। तो ये एक इस्टेब्लिशिंग शॉट है जो कि बहुत ज़रूरी है। जब भी आप, मान लिया आप किसी शहर की, शहर में सीन सेटअप कर रहे हैं, किसी शहर को दिखाना है, तो कभी कभी आप देखते होंगे स्क्रीन पे लिख के भी आ जाता है फिलाडेल्फिया, मुंबई 1943, तो मुंबई ऐसे दिखा देते हैं, नहीं दिखाते ना, पहले हम हेलीकॉप्टर शॉट या बर्ड्स आई एंगल लेते हैं ना, पूरी उसका बीच, मुंबई का मरीन ड्राइव जिसमें दिखेगा, बीच पूरा दिखेगा, पूरा स्काई लाइन दिखेगा, तब जाके फिर हम बॉम्बे में कट टू फिल्म, चाहे वो धरावी दिखाना हो या कुछ भी दिखाना हो, हम दिखा देते हैं। लेकिन हम शुरू में एक शहर को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए वाइड एंगल शॉट चाहिए। क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप का बहुत मीनिंग है, इसको हम बर्बाद नहीं करते कि हर जगह हम क्लोजअप लें, और इसके भी कई मीनिंग है, कहाँ पे हमें एक्सट्रीम क्लोजअप यूज़ करना है, कहाँ पे फुल क्लोजअप इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कैसे लेना है। तो वो क्लोजअप से इनहेंस इंटेंसिटी, हाई एंड लो कैमरा एंगल सजेस्ट पावर एंड लैक ऑफ इट, क्लोजअप प्रोवाइड एडिटर्स कटिंग पॉइंट, एक्सट्रीम क्लोजअप्स फॉर ए पर्पस। तो क्लोजअप का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है, ये एडिटर के लिए कटिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है, एडिटर को यहाँ पे कटिंग पॉइंट मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोजअप की। अगर लो एंगल है कैमरा, लो एंगल हम किसी को दिखा रहे हैं, तो लो वो उसका पावर दिखाता है, उस करेक्टर का पावर दिखाता है, पावरफुल। जब हम हाई एंगल से ले रहे हैं तो वो दिखाता है डाउन दिखाता है, यानी करेक्टर वीक। जब हम हाई कैमरा रखते हैं तो करेक्टर वीक लगता है, तो उसका पर्पस होता है। इसी तरह हम एक्सट्रीम क्लोजअप लेते हैं, ऐसे फालतू का हम एक्सट्रीम क्लोजअप कभी नहीं लेना, जब तक कि, क्योंकि जब आप एक्सट्रीम क्लोजअप लेते हो तो व्हाट इज द अदर स्टोरी, व्हाट इज यू लुकिंग फॉर,
किसकी तरफ देख रहा है, क्यों देख रहा है, वाई एक्सट्रीम क्लोजअप। एक्सट्रीम क्लोजअप जब हम लाते लेते हैं तो उसके पीछे कुछ छिपा रहता है, फिर उसको आप नेक्स्ट शॉट से उस चीज़ को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। या अगर करेक्टर कुछ स्टडी कर रहा है, कुछ आंखों से उसके भाव आ रहे हैं कि उसने कुछ समझा, तभी हम एक्सट्रीम क्लोजअप लेते हैं, अदरवाइज हम एक्सट्रीम क्लोजअप नहीं लेते, क्योंकि इसके बाद आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा नेक्स्ट शॉट से। OTS ओवर द शोल्डर शॉट, क्योंकि ये फिल्मों में बहुत ज़्यादा यूज होता है ओवर द शोल्डर शॉट OTS। लेकिन OTS में OTS जब हम लेते हैं तो उसमें क्लोजअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब इसकी कटिंग होगी तो क्लोजअप से होगी। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि OTS पहले आपने पूरा या तो मल्टी कैमरा सेटअप लगाएंगे, मल्टी कैमरा सेटअप लगाएंगे, या तो अगर सिंगल कैमरा से जैसे पहले शूट करते थे सिंगल कैमरा से करते तो बाद में फिर क्लोजअप लेना पड़ता है। तो हमें वहाँ पर कंटिन्यूटी और सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई चीज़ जर्क तो नहीं आ रही है, पिछले शॉट में करेक्टर कितना लीन हुआ था, अभी करेक्टर क्या एक्टर जो है बाहर जा रहा है, उसमें पहले तो इसने कुछ ऐसा किया था अभी कुछ ऐसा कर दिया, या डायलॉग मिसमैच तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें OTS में ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ को। दिस इज द फिश आई आर बर्ड्स आई एंगल्स जो हमने आपको बताया, एक्सट्रीम वाइड एंड पैनोरमिक व्यू ऑफ समथिंग स्पेशली सिटी आर, तो इसको फिश आई से करते हैं। इसी तरह बर्ड्स आई है टॉप व्यू ऑफ द सिटी। तो फिश आई मतलब फिश आई भी हम हर जगह नहीं इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में फिश आई हम लेंस इस्तेमाल करते हैं जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है उस तरह से। बाकी अगर शहर कुछ इस तरीके से दिखाना है तो शहर वगैरह को भी दिखाते हैं, और अदरवाइज ज़्यादातर हम बर्ड्स आई व्यू से ही किसी सिटी को स्टैब्लिश करते हैं, या कोई रेगिस्तान है या कुछ इस तरीके से हम पूरे अर्थ को दिखाना है तो उस तरीके से हम बर्ड्स आई व्यू यूज़ करते हैं। तो फिश आई एंड बर्ड्स आई एंगल्स में डिफरेंस है, ठीक है, वो आप ध्यान रखें। ये है डेप्थ ऑफ फील्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्थ ऑफ फील्ड जो है इसमें जितने भी सिनेमाटोग्राफर होंगे, दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि सिनेमा जो है सिनेमा में दूर तक की चीजें दिखती हैं, पास क्या है, किस पे फोकस रखना है, किसको आउट ऑफ फोकस रखना है और कहाँ तक दिखाना है, तो वो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है बहुत सारी स्टोरी बोलती है। हो सकता है कि हम एक शॉट यहाँ पे दो करेक्टर खड़े बात कर रहे हैं, वो फोकस में है, पीछे बहुत सारी सीढ़ियाँ जंगल और कुछ पानी वगैरह दिख रहा है, हो सकता है कि ऊपर बहुत दूर कहीं एक झाड़ू लगा रहा है कोई आदमी, झाड़ू लगा रहा है, या हो सकता है बहुत दूर कहीं एक आदमी गन लोड कर रहा है, तो वो डेप्थ ऑफ फील्ड हमें वहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए, कैमरामैन को बताना चाहिए कि हमें बेशक वो डेप्थ ऑफ फील्ड में रहना चाहिए लेकिन फोकस इस पर, बाद में हो सकता है फोकस शिफ्ट करके हम उस पर फोकस करें जहाँ पे ज़रूरी हो कि वो गन लोड कर रहा है या झाड़ू लगा रहा है, फिर हम उस पर फोकस करेंगे। तो कितनी डेप्थ ऑफ फील्ड रखनी है वो सीन से डिसाइड होगा कि उसमें कितने करेक्टर हैं, क्या क्या ज़रूरी है, कितनी चीज़ कवर करनी है, वो डेप्थ ऑफ फील्ड से आना चाहिए। इसमें फैक्टर्स हैं सारे, वो फोकल लेंथ से होता है, अपर्चर से होता है, जो सिनेमाटोग्राफी में आपको कैमरामैन के जो भी कैमरा के लेक्चरर होंगे वो बताएंगे आपको। तो डेप्थ ऑफ फील्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एंड फार्देस्ट ऑब्जेक्ट, ये पूरी डिस्टेंस होती है कितनी दूरी की है, 10 मीटर से भी हो सकती है, मे बी इन्फिनिटी भी हो सकती है, बिल्कुल इन्फिनिटी भी हो सकती है, काफ़ी दूर भी हो सकता है। इट इज़ वेल नोन फोटोग्राफी टेक्निक दैट इज सिट एडजस्टिंग योर कैमरा अपर्चर सेटिंग हायर डी ओ एफ मेक्स द होल इमेज इन फोकस। अब इसमें ये भी हो सकता है कि पूरा जितना भी दिख रहा है हमारे सामने वो सब चीज़ फोकस में, आउट ऑफ फोकस कोई चीज़ नहीं, ठीक है, हो सकता है दूर से कोई एक आदमी चला आ रहा है, समंदर दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, सब दिख रहा है, तो वो पूरा फोकस में है। लेकिन कभी कभी होता है लोअर डी ऑफ में क्या रिजल्ट्स इन ब्लरी बैकग्राउंड्स एंड एलिमेंट्स इन द फोरग्राउंड्स, उसमें क्या होता है कि हम करेक्टर पे फोकस रखते हैं, उसके क्लोजअप को फॉलो कर रहे हैं और बाकी चीज़ें ब्लर्ड दिख तो रहा है, करेक्टर ऑडियंस को दिख रहा है कि भाई जंगल से चल के आ रहे हैं, नदी से चल के आ रहे हैं, लेकिन वो सारा ब्लर्ड है और उस करेक्टर पर हम फोकस करते हैं। अब यहाँ पर भी डायरेक्टर को मालूम होना चाहिए भैया करेक्टर पे, अगर हम करेक्टर के क्लोजअप को फॉलो करते चले आ रहे हैं, करेक्टर आ रहा है, आ रहा आ रहा है, क्यों क्लोजअप को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि करेक्टर के अंदर कुछ चल नहीं पाते, कोई साइकोलॉजिकल चीज़ें चल रही है उसके अंदर, तब तो उसको तुम क्लोजअप में रखो और बाकी चीज़ें ब्लर्ड रखो। अदरवाइज अगर नॉर्मल वो चीज़ दिखाना है कोई चल के आ रहा है तो फिर आप कभी आउट ऑफ फोकस भी कर सकते हो उसको, कभी दूसरी चीज़ को फोकस कर सकते हो, देखो इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज़ को फोकस करना। तो दिस इज़ द डेप्थ ऑफ फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जैसे तितली पे बटरफ्लाई पे फोकस है, फ्लावर को उतना फोकस नहीं, जब तो वो जा रहा है बाहर जा रहा है आउट ऑफ फोकस,
क्योंकि हमें बटरफ्लाई पे फोकस करना है। अब ये हाई एंड लो एंगल आपको दिखाया, ये कौन सी फिल्म का है? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। और ये हाँ, ये शायद किल बिल है क्या? शायद, या हाँ हो सकता है बेसक। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग, अब इसमें हमने जब लो, एक लो एंगल अगर किसी चीज़ को दिखा रहा है, कोई हमसे चीज़ दूर जा रहा है, या करेक्टर बेसिकली दो पुलिस वाले हैं, अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, टार्चर कर रहे हैं, तो जहाँ पे टार्चर हो रहा है वो जिसको कर रहे हैं वो हम हमेशा कैमरा जो है हाई एंगल पे रखेंगे ताकि उसकी कमजोरी होती है। जब आदमी वल्नरेबल होता है, व्हेन अ करेक्टर इज वल्नरेबल, तो वहाँ पे हम उसकी वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करने के लिए हाई एंगल रखते हैं ताकि वो और छोटा दिखे और कमज़ोर दिखे। अगर हम उसको लो एंगल कैमरा रखेंगे तो वो मीनिंग वो आ नहीं पाएगी, इम्पैक्ट वो आ नहीं पाएगा। लेकिन जब हम किसी बॉसी टाइप के इंसान को दिखाते हैं, डिक्टेटर को दिखाते हैं, या कोई अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी को दिखाते हैं, तो हम उसको लो एंगल पे कैमरा पे रखते हैं जैसे इसमें रखा, तो उससे उसका अथॉरिटेटिव नेचर आता है सामने, रिफ्लेक्ट होता है, और उसका पावर, इट एक्सप्यूट्स पावर, तो वहाँ पे पावर शो करती है, और यहाँ पे उल्टा है उसके। ये है बेसिकली इक्विपमेंट है, अब इसमें इसमें सिनेमाटोग्राफर है, ये हो सकता है अभी आपको ज़रूरत ना पड़े क्योंकि ये प्रोफेशनल फिल्म का है, इक्विपमेंट है कैमरा एंड लाइटिंग, तो ये काफ़ी महंगे आते हैं ये चीज़ें, तो अभी शुरू में तो आप ऐसे ही बनाएंगे फिल्में, लेकिन ये बेसिकली प्रोफेशनल वे में समझ लेना ज़रूरी है कि सोनी का कैमरा है, मास्टर प्राइम, जूम लेंसेज कितने, क्या क्या, मतलब एक फिल्म के लिए क्या क्या लाइट एक्सेसरीज है, कैमरा एक्सेसरीज है, लाइट एक्सेसरीज इधर भी दिया हुआ है, कितनी लाइट चाहिए, कितनी कैमरा, किस कैमरा, कैमरा एक्सेसरीज में क्या क्या चीज़ें चाहिए, शोल्डर पैड, मास्क, मैट बॉक्स, ग्लिमर, क्लियर, ग्रेड, फिल्टर, मोशन, ये सब मैं आपको भेज दूंगा, ये सारी लिस्ट है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। लाइटिंग में, लाइटिंग इक्विपमेंट में, लाइटिंग एक्सेसरीज में क्या क्या चीज़ चाहिए, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आगे प्रोफेशनल वे में आपको काम करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैमरा एंड लाइट इक्विपमेंट है, एडिटर इज अ डायरेक्टर सेवियर, डायरेक्टर के जो शॉर्ट कमिंग्स को है वो एडिटर बचाता है, और एडिटर का रोल बहुत बड़ा है, वो फिल्म को बनाता है पूरी तरीके से, एक ख़राब फिल्म को अच्छी फिल्म कर सकता है, और एक अच्छी फिल्म को ख़राब फिल्म कर सकता है, वाइस वर्सा। तो एडिटिंग स्टाइल डिपेंड्स ऑन दी जोनर ऑफ फिल्म, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल, फैंटेसी, हॉरर, क्राइम एंड कॉमेडी, इसमें भी एडिटिंग स्टाइल, अब जैसे हॉरर फिल्म है तो जाहिर सी बात है उसकी एडिटिंग स्टाइल डिफरेंट होगी क्योंकि वहाँ पे हमें हॉरर को शो करना है, लोगों को डराना है, तो उसकी एडिटिंग स्टाइल अलग होगी। साइंस फिक्शन है तो उसकी एडिटिंग स्टाइल अलग होगी, तो सबकी वो एडिटर को जानना चाहिए। इसी तरह इपिक फिल्म है, जैसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ये है इपिक फिल्म है, तो इपिक फिल्म में लंबे लंबे शॉट्स रहते हैं, इपिक फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि लंबे लंबे शॉट्स रहते हैं, वाइड एंगल रहता है, एक्सट्रीम वाइड एंगल रहता है, लंबे लंबे डायलॉग्स रहते हैं, मल्टीपल करेक्टर, थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर्स उसमें होते हैं। तो इपिक फिल्म, हर फिल्म को इपिक नहीं बोलते, इपिक फिल्म में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो बहुत ह्यूज बजट की होती है, मतलब इपिक फिल्म छोटे बजट की बनी नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, जैसे महाभारत या रामायण बनेगी वो इपिक फिल्म बनेगी क्योंकि उसमें 10,000 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो इतनी इतनी बड़ी टीम को मैनेज के लिए कि कम से कम 10 यूनिट डायरेक्टर्स होते हैं, एक मेन डायरेक्टर होता है, बाकी एसोसिएट डायरेक्टर होता है, उसके बाद अलग अलग यूनिट के डायरेक्टर होते हैं, सबको बांट दिया जाता है कि तुम्हें ये शूट करना है, ये शूट करना है, ये शूट करना है, और बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं, तो उसमें मल्टीपल मल्टीटास्किंग होती है, मल्टीपल टीम्स काम करती हैं। तो मैं भी जब गांधी बेन किंग्सले की थी, गांधी जब बनी थी तो गोविंद निहलानी को भी उसमें रखा गया था, तो एक यूनिट डायरेक्टर ये भी थे, गोविंद निहलानी भी थे और श्याम बेनेगल, दोनों को रखा गया था कि दोनों एक एक यूनिट इन्होंने संभाल रखी थी रिचर्ड एटनबरो के साथ। तो ये एडिटिंग स्टाइल है, डिपेंड करेगा कैसा जोनर है उस तरीके से। ये है स्प्लिट स्क्रीन, अब व्हेन मल्टीपल एक्शंस नीडेड टू बी शोन साइमल्टेनियसली, हल्क का रेफरेंस है। अब एडिटिंग स्टाइल्स में डिफरेंट है, डिसॉल्व है, फेड इन है, फेड आउट है। अब इसे मैंने एग्जांपल दिया स्प्लिट स्क्रीन, आप कभी कभी क्या होता है स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं, इसमें 6-7 शॉट एक साथ चलते हैं, लेकिन उसमें तभी ये चीज़ हम दिखा सकते हैं जबकि
जबकि एक्शन सेम एक्शन मतलब एक्शन का मीनिंग एम एक तरफ हो, यानी एक तरफ वो कार चेज हो रहा है, बाकी लोग लगे हुए हैं ऑफिस में, कोई बैठा, मतलब पर्पज एक है, एक पर्पज है, उसके पीछे मल्टीपल एक्शन से जब चल रहा होगा तो आप वहां पे स्प्लिट कर सकते हो स्क्रीन को ऑडियंस को बताने के लिए कि एक साथ साइमल्टेनियसली कई काम चल रहा है। कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कोई पुलिस वाला फोन कर रहा है, आर्मी उधर चेस कर रही है, हेलीकॉप्टर उधर से आ रहा है, तो सब आपको स्प्लिट स्क्रीन करके एक साथ भी आपको दिखा सकते हो, बशर्ते और बाद में फिर स्प्लिट स्क्रीन हटा के जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉट होगा वो आप चला लो उसके बाद। तो ये स्प्लिट स्क्रीन भी बहुत मीनिंगफुल है, लेकिन हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा, इसको इसको ध्यान में रखना स्प्लिट स्क्रीन कहाँ पर इस्तेमाल करना है। बेसिकली ये एक्शन सीक्वेंसेस या कोई ऑपरेशन चल रहा है थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वहाँ भी स्प्लिट स्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक तरफ वो डिफरेंट डिफरेंट उसका क्लोजअप, उधर जो पेशेंट के रिश्तेदार वो परेशान बैठे हैं उनका एक तरफ शॉट जा रहा है, एक तरफ डॉक्टर की जा रहे हैं, तो इस तरीके से वो स्प्लिट स्क्रीन में दिखाई जा सकते हैं या एक्शन सीक्वेंसेस भी दिखाई जा सकते हैं। ये एडिटिंग टेक्निक्स हैं जिसमें कि जे कट क्या है, म्यूजिक कर दिया तो वीडियो बन गया। हाँ जे कट, जे कट, यस वांट टू से समथिंग, इसमें ऑडियो पहले आती है। हाँ बिल्कुल जे कट में, अब ये भी टेक्निक है जिसके लिए डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वॉइस ओवर क्या, पहले हमने वॉइस ओवर शुरू कर दी बाद में फिर शॉट आए, या शॉट शुरू कर दिया वॉइस ओवर बाद में आया, तो वो जे कट हो गया। जंप कट में कहीं हाँ सीन ये चल रहा है अचानक कहीं और का दिखा दिया जंप कट, तो वो जंप कट हो गया। डिजॉल्व मैंने बताई दिया है कि डिजॉल्व, हाँ डिजॉल्व पूरा एक ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया, लेकिन कहाँ इस्तेमाल किया उसने मैंने बताया ना, डिजॉल्व ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। डिजॉल्व क्या है, कोई रोमांटिक फीलिंग, रोमांटिक सीन आप शूट कर रहे हैं, ठीक है रोमांस है, उसमें आप डिजॉल्व यूज कर सकते हो, नेचर को दिखाने में कर सकते हो, दिन को रात में ट्रांसफर कर सकते हो, सनसेट सनराइज क्लाउड मून शिप जा रही है तो डिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब इतना लंबा चौड़ा तो शिप को दिखाओगे नहीं कि शिप चली जा रही। इसी तरह रेगिस्तान के शॉट्स हैं तो वो डिजॉल्व में दिखाओगे, ऊँट वाले सारे कारवां जा रहा है ऊँटों का तो आपने डिजॉल्व में दिखा दिया, डिजॉल्व में दिखा दिया, शाम होते चली गई वो इतने किलोमीटर कवर कर गया, तो वो डिजॉल्व होना चाहिए। फेड इन फेड आउट जिसमें स्क्रीन पूरी वो हो जाती है, लेकिन जब फेड इन और फेड आउट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है फेड इन फेड आउट का, क्योंकि वो थोड़ा सा आप ऑडियंस को वो देते हो, ब्रीदिंग पीरियड देते हो कि ये सी मतलब कि फेड आउट हुआ, अब दूसरी चीज फेड इन। कट अवे शॉट्स हुआ कि कहीं और से उठा लिया कोई एक शॉट, ठीक है, कहीं अचानक सीन चल रहा है, ये यहाँ पे क्लासरूम के सीन चल रहे हैं, अचानक एक सीन तवाक से कुछ आया और दिखाओ कुछ और कि कहीं रोड पे कुछ हुआ हादसा, कुछ ऐसा हुआ बाहर के सीन, बाहर का एक शॉट है, तो वो कट अवे शॉट हुआ, बाद में उसको इस्टेब्लिश करेंगे कि उसका क्या मीनिंग था, वो कट अवे शॉट। और मोंटाज तो जानती ही होगी, मोंटाज एवरीबॉडी शुड नो व्हाट इज मोंटाज, मोंटाज जानते हो मोंटाज कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बनाया जा सकता है मोंटाज का, ये तो नॉर्मल है, ये सभी लोग ग्राफिक्स डिजाइनर भी करते हैं। कास्ट्यूम इज की टू लुक एंड एक्टिंग, अब बहुत चैलेंजिंग काम है ये कास्ट्यूम, अगर ये मॉडर्न फिल्म बना रहे हो, अभी कोई शॉर्ट फिल्म अभी भी शूट कर रहे हो तो नॉर्मल है कि नॉर्मल कपड़े पे आ जाओ, जो घर में पहन रखा वही कपड़े पे आ जाओ, लेकिन जब आप हिस्टोरिकल करते हो या पीरियड ड्रामा करते हो, चाहे वो 20 साल हो सकता है, 1990s की भी फिल्म बनाओगे, 1980s की भी फिल्म बनाओगे तो उसमें फिर आ गया, अब 1980s की बनाओगे तो बॉल बॉटम दिखाना पड़ेगा, 1990s की दिखाओगे तो उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा चेकदार उस टाइम ज़्यादा लोग पहनते थे, ये फूल वाले फूल बूटा वाली शर्ट के लोग पहनते थे, थोड़ा बैगी टाइप के पैंट पहनते थे, तो वो चीज़ दिखानी पड़ेगी तुमको उस टाइम में जो पहनते थे। तो बेसिकली एवरी डिकेड, हर डिकेड पे कास्ट्यूम चेंज हो जाता है, हर डिकेड पे थोड़ा थोड़ा कास्ट्यूम चेंज होता रहता है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारे कास्ट्यूम पे ध्यान दिया जाए, और कास्ट्यूम जो डायरेक्टर होता है वो ही इज़ वेरी वेल रीड, दे आर वेरी वेल रीड पर्सन्स, और वो हमेशा हिस्ट्री के बुक और सब चीज़ से रेफरेंस लेते रहते हैं कि हमें कौन सा कास्ट्यूम रखना है, अगर उस ज़माने में कुछ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उस तरह की कास्ट्यूम वहाँ पे उनको होती है, उस तरह से वो कलेक्ट करते हैं कास्ट्यूम। कभी कभी तुमने देखा होगा बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में हैं उनके कास्ट्यूम लगते हैं कि यार ये अभी पृथ्वीराज चौहान वो जो अक्षय कुमार की फिल्म आई थी तो वो मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो, कभी कभी लगता है कि उस टाइम का यार फील नहीं आ रहा,
या उनका मेकअप गलत हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई कि उस टाइम का, या उस टाइम के बाल तो ऐसे हो ही नहीं सकते थे, उस टाइम के ऐसे कास्ट्यूम हो ही नहीं सकते थे, ये कैसे पहन सकता है, तो वो ब्लंडर नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्टर बेसिकली ये डायरेक्शन का कोर्स है, तो डायरेक्टर को मालूम होना चाहिए कि कास्ट्यूम, कौन सा कास्ट्यूम किस पे ज़्यादा सूट करेगा और कौन सा फैब्रिक होना चाहिए। जैसे संजय लीला भंसाली, वो ज़्यादातर ज्वेलरी, कास्ट्यूम, ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि वो पहले जो थे कोरियोग्राफर थे, पहले वो कोरियोग्राफर थे और उनका पूरा जो ख़ानदानी वो है गुजरातियों का, तो वो इसी से डील करता था, कास्ट्यूम, ये जो ज्वेलरी वगैरह, तो उनको काफ़ी नॉलेज है उस चीज़ से। तो अब इसमें ये देखना है कि कोई ब्लंडर ना होने पाए, तो ये हो गया कास्ट्यूम। अच्छा, एक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन मोर थिंग, एक्टर के लिए जब भी अगर कास्ट्यूम अगर हमारा प्रॉपर नहीं होगा ना, तो एक्टर के अंदर फीलिंग नहीं आएगी। अगर हम देखो नॉर्मल वर्कशॉप करेंगे ना एक्टर के साथ में, वो फील नहीं आएगा। अभी उसको बीरबल का रोल देना है, अकबर का रोल देना है या महाराणा प्रताप का रोल देना है, जब जैसे ही उसके ऊपर कास्ट्यूम डालोगे ना, उसके अंदर घुस जाएगा वो आत्मा, उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो कास्ट्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स टू एड इन द एक्टिंग प्रोसेस। जो उनका एक्टिंग प्रोसेस होता है, जो उनका क्यूज होता है, वो कास्ट्यूम से मिलता है, एक फील आता है कास्ट्यूम का, एक टेलीपैथी होती है। टेलीपैथी, हाँ टेलीपैथी, जहाँ पे जब बैंडिट कोइन का लीड रोल जब फुलन देवी को उसने किया था, किसने किया था, हाँ सीमा विश्वास ने, तो सीमा विश्वास ने बहुत रिसर्च किया, उसने बोला कि मतलब मैं उस पे सिचुएशन पे पहुंच गई थी जहां पे फुलन देवी के साथ मेरी टेलीपैथी हो गई थी, मतलब जहां पे मैं और फुलन देवी अलग अलग नहीं थे, मैं ही फुलन देवी थी। तो उसको कहते हैं टेलीपैथी, व्हेन यू ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर कैरेक्टर। और ये एक्टर्स के लिए, अभी शायद नेक्स्ट ईयर से यहाँ भी एक्टिंग का वर्कशॉप शुरू होगा, तो ये बैटरी इज रनिंग लो, चलो बुला लो। यह मेकअप, तो यह है मेकअप। जिस तरह कॉस्ट्यूम इंपॉर्टेंट है एक्टर्स के लिए, उसी तरह मेकअप इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी सीरियल्स डेली सोप से इतना कपूर के देखते होंगे, आप यहाँ के सीरियल देखिए, टर्की के सीरियल देखिए या किसी और कंट्री के सीरियल देखिए, आपको ज़मीन आसमान का फर्क लगेगा। यहाँ का मेकअप देखो ओवरबोर्ड, वो इतना ज़्यादा लीप पोत देंगे तो वो मूर्ति लगने लगती है, ठीक है, इसके लिए दे लुक लाइक स्टैचूज, मतलब बिल्कुल ऐसा देखोगे कि हम रियल में देख रहे हैं या पता नहीं स्टैचू वगैरह देख रहे हैं, मैंने क्वीन से देख रहे हैं ये, हाँ। तो वो करेक्ट, वो हमें देखना है कि मेकअप शुड एड इन द फिल्म मेकिंग, इट शुड नॉट ओवर पावर द फिल्म मेकिंग। हमारी जो स्टोरी को हमें कहना है, तो हमें मेकअप आर्टिस्ट को हमें ये गाइड करना है कि हमें भैया इतना मेकअप चाहिए, इस तरह का मेकअप चाहिए, हमें ज़्यादा ओवर उसको बहुत ज़्यादा ओवरवेलम नहीं करना कि लोगों की मेकअप की तरफ ध्यान जाए, मेकअप की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, लोगों एक्टिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब टाइटैनिक में भाई 1912 का फील था, तो उस 100 साल पुरानी स्टोरी थी, तो उस ज़माने में जितना लाइट मेकअप होना चाहिए, जिस तरह की हेयर स्टाइल होनी चाहिए, तो वो किया। उसी तरह अगर कोई साइंस फिक्शन, हॉरर या किसी और करेक्टर को इस तरीके से हम साइकोपैथ या कुछ दिखाना चाहते हैं, तो उस तरह का अलग अलग मेकअप आता है। अब तो मेकअप बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया है, मतलब हद से ज़्यादा ऊपर जा चुका है मेकअप, अभी तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, पता ही नहीं चलता अंदर एक्टर कौन है। जैसे कि इंडियन में भी आई रही कमल हसन की इंडियन फिल्म आ रही है, इंडियन 2 इंडियन 3 बन रही है उसकी, तो उसमें भी मेकअप का ही कमाल है, क्योंकि कमल हसन जब 96 में आई थी पार्ट 1, तो वो मेकअप के बाद उनको 3-4 आवर्स बैठना पड़ता था, उसके बाद वो चाय की दुकान पे गए, आराम से चाय पिया, सब कुछ किया, कोई पहचान ही नहीं पाया उनको मेकअप पे। तो वो चूंकि वो डिमांड थी करेक्टर की, इसलिए उन्होंने ऐसा किया मेकअप, अदरवाइज मेकअप शुड बी लाइट और दिखना नहीं चाहिए मेकअप को। अब फिल्म मेकिंग में एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन, कोरियोग्राफी एंड डायरेक्शन। बेसिकली क्या होता है, कई कई फिल्मों में जो हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, वहाँ एक्शन डायरेक्टर अलग होता है, वो पूरी सीन को अपने तरीके से शूट करता है, नाम डायरेक्टर का जाता है लेकिन एक्शन डायरेक्टर अलग से होते हैं। तो जिस तरह सॉन्ग की कोरियोग्राफी होती है, उसी तरह एक्शन की कोरियोग्राफी होती है। एक एक स्टेप, एक एक चीज़ें वो हमें से ब्रेक डाउन में, जैसे स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन करते हैं, उसी तरीके से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं।
एक्शन, एक्शन कोरियोग्राफी, जस्ट लाइक डांस एक्शन टू हैज अ कोरियोग्राफी। अगर हम पहले से कोरियोग्राफी नहीं करेंगे तो हमें कुछ पता नहीं हुआ, और ज़्यादातर टाइम, ज़्यादातर बजट और ज़्यादातर एफर्ट्स ये एक्शन में ही आजकल जा रहा है। और चाहे हॉलीवुड की फिल्में हों, कभी कभी तो इतना इसमें पैसा लग जाता है कि मतलब जितनी, अब जैसे कियानू रीव्स की फिल्म थी मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स में जो पार्ट टू में जो चेस सीक्वेंस था उसमें 29 कार्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, एक ब्रिज बनाया गया था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मतलब जितना ब्रिज, 6 महीना तो ब्रिज बनाने में गया और उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय। इसी तरह ट्रू लाइज में उस जमाने में वीएफएक्स वगैरह नहीं होता था, ट्रू लाइज 95 में आई, उसमें देखा होगा एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय करते हुए। इसी तरह अभी MI7 जो आई उसमें भी, उसमें भी एक ब्रिज से टॉम क्रूज नीचे कूदते हैं, वो भी 6 मंथ 7 मंथ उस ब्रिज को बनाने में गया और टॉम क्रूज ने खुद एक्शन वो किया नीचे बाइक से कूदते हुए का शॉट। तो एक्शन अभी अभी बॉलीवुड में भी बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, एक एक सीन को मतलब शूट करने में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। तो एक्शन, क्योंकि एक्शन मैंने तुमको बताया कि सिनेमा इज ऑल अबाउट एक्शन एंड मोशन, मोशन एंड इमोशन। जब आप, अगर आपको कॉर्पोरेट फिल्में बनानी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनानी है, बस यहीं तक सीमित रहना है, न्यूज़ चैनल में काम करना है, तो ये आपके लिए बेकार है सब चीज़ें। मैं बिग विजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें से कल को किसी को डायरेक्टर बनना है, फिल्में बनाना है, तो उसके लिए ये जानना पड़ेगा कि अपना विज़न किस तरीके से रखना है, और विज़न को हमेशा बड़ा रखना है, और उसमें एक्शन जो है सबसे क्रूशियल पार्ट है। अच्छा, VFX एंड डायरेक्शन, इस स्पेशल इफेक्ट्स आर डिफरेंट एंड VFX आर डिफरेंट। तो VFX और ये स्पेशल इफेक्ट में क्या फर्क है, स्पेशल इफेक्ट क्या है, क्यों फर्क है इसमें, दोनों सेम होना चाहिए। तो व्हाट इज स्पेशल इफेक्ट एंड VFX, तो सभी को मालूम है, VFX तो मालूम होगा, VFX का फुल फॉर्म। ओके, स्पेशल इफेक्ट मालूम है क्या है, स्पेशल इफेक्ट पुराने जमाने से चला, पहले VFX नहीं, ठीक है, VFX तो अभी आया, जब से ILM इंडस्ट्रियल, ILM जो जादू सी कंपनी, इंडस्ट्रियल लाइट्स एंड मैजिक नाम पहली वो कंपनी थी जो VFX जिसने स्टार वार्स से देना चालू किया, और बाकी क्या क्या नहीं, बहुत सारी फिल्में उसने किया 1980s। क्या चीज़ VFX, विजुअल इफेक्ट्स। तो ये बेसिकली उसका फुल फॉर्म को जो उसको विजुअल इफेक्ट्स बोलते हैं, तो विजुअल इफेक्ट्स का वही इफेक्ट्स हो गए, इफेक्ट्स का, तो उसका VFX शॉर्ट फॉर्म रखा विजुअल इफेक्ट्स। स्पेशल इफेक्ट वो होता है जो कि फिल्मों में प्रॉप्स के जरिए, 3D मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग और इन सब चीज़ों के जरिए, जो कार्टून मतलब जो चीज़ 3D मॉडलिंग करते हैं या कुछ चीज़ दिखाते हैं, जैसे रामायण महाभारत में बड़ा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस जमाने में कुछ था ही नहीं, तो 80s में 90s में रामायण महाभारत आई, तो उस जमाने में कुछ ऐसी बना के रखते थे, फिर उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करते थे, फिर कैमरा शूट करते थे, लाइट जलाते थे, फोकस देते थे, फिर डरावना से क्रिएट करते थे ना, भूत बना दिया, ये कर दिया, या किसी इंसान को रैम से ब्रदर्स की फिल्म आती थी भूत बना दिया, वो सब स्पेशल इफेक्ट है। स्पेशल इफेक्ट जो मतलब सेट पे किया जाए, जो सेट पे किया जाए, 3D मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग, मूर्ति बना कुछ ऐसा बना के उसको स्पेशल इफेक्ट बोलते हैं। VFX आर टोटली कंप्यूटर जनरेटेड शॉट्स, आप समझ में आ गया, कंप्यूटर जनरेटेड शॉट्स है, मतलब इसका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर को बता दिया गया कि इतना क्रोमा करना है, ग्रीन पैनल के पीछे इतना आएगा, वो पूरे बदन में सेंसर लगाएंगे आपके, और एक उसमें मे बी उसके अलग आर्टिस्ट आते हैं, वो एक्टर में काम नहीं करते, उसके अलग आर्टिस्ट आते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, या अगर एक्टर भी रहते हैं तो उनको बताया जाता है, उनकी मार्किंग की जाती है कि इतना आपको चलना है, कैमरे के सामने आपको इतना चिल्लाना है, ऐसे मूव करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो सारा बदन में सेंसर लगा रहता है पूरे बदन, और वो कैमरा वो पूरा रिकॉर्ड होता रहता है चीज़ें उसकी, बेसिकली मूवमेंट, जैसे आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग में गोलम करेक्टर आपने देखा, गोलम इज टोटली VFX जनरेटेड करेक्टर, उसका कोई वो लेना देना नहीं, जानवर टाइप का है ना, बोलता भी है वो, तो वो किसी और ने किया, आर्टिस्ट ने, वैसे उछलता है, कूदता है, और पूरे बदन में उसके वो सेंसर लगे हुए हैं और वो उसकी मूवमेंट कैप्चर कर रहा है। बाद में जो VFX एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको उसके मूवमेंट को लेके फिर वो पूरा करेक्टर जो है क्रिएट करते हैं, पहले ग्राफिंग करते हैं, फिर ग्राफ्टिंग करते हैं, फिर आगे और उसको मूवमेंट देते हैं, इस तरीके से करके उसका मूवमेंट उसमें फीड करते हैं, और फीड करके उस करेक्टर को लाइवली बनाते हैं। इसी तरह अवतार में किया गया,
अवतार में भी ऐसे ही किया गया, पूरी फिल्म जो है स्टूडियो में शूट हुई और बाद में जंगल का अलग से शॉट ले लिया गया, नदी का अलग से ले लिया गया, पानी का अलग से ले लिया गया, वो सब चीज़ें अलग से लेके उसको जो है मर्ज किया गया। तो पूरी फिल्म में अवतार भी, लेकिन अवतार के लिए हम उसने स्पेशली कैमरा उस तरीके से इन्वेंट किया गया और बेसिकली ये टॉप के लोग हैं, जेम्स कैमरान हो गए, स्टीवन स्पीलबर्ग हो गए, तो ये लोग जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो अपना कैमरा ही इन्वेंट करवाते हैं, साइंटिस्ट लोगों को बुलाते हैं, टेक्नोक्रेट्स को बुलाते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हमें इस तरह का कैमरा चाहिए, इस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, पैसे को कोई कमी है नहीं वहाँ पे, तो एक एक कैमरा हो सकता है वहाँ पे मिलियन डॉलर का कैमरा हो वहाँ पे, तो ये पूरी पूरी टीम उनकी अलग होती है, पैसे का कोई बाउंडेशन है नहीं, बिलियन डॉलर में फिल्में बनती हैं वहाँ पे, फिर बिजनेस भी वहाँ पे बिलियन डॉलर में होता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई बाउंडेशन तो रहती नहीं बजट की। इसी तरह लॉर्ड ऑफ द रिंग में किया गया, पीटर जैक्सन की फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग। तो एक तो वीटा ईएफएक्स, अभी इस टाइम पे दो वीएफएक्स की सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड में है, एक मैंने बताया आईएलएम इंडस्ट्रियल लाइट्स एंड मैजिक वो हॉलीवुड में है, दूसरी वीटा ईएफएक्स है वो है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में जो है वो पीटर जैक्सन की कंपनी है, पीटर जैक्सन वही जो लॉर्ड ऑफ द रिंग के डायरेक्टर है, ठीक है। तो अब वीएफएक्स कैसे होता है वो समझ लो, पूरी दुनिया में 35-40 कंट्री में वीएफएक्स होता है और हमारे इंडिया में भी होता है, प्राइम फोकस या और भी बहुत सारी कंपनी। ये क्या अभी क्या करते हैं, जैसे हॉलीवुड की फिल्में या बॉलीवुड की फिल्में, जवान का भी वीएफएक्स ऐसे हुआ, ये आउटसोर्स करते हैं, एक सीन हमने इजिप्ट भेज दिया, एक सीन टर्की भेज दिया, चार सीन हमने इंडिया भेज दिया, तो 35 कंट्री के लोग मिल के अवतार को बना रहे, सबको ब्रीफ कर दिया गया, तुम इतने शॉट करोगे, तुम इतना शॉट करोगे, तुम इतना करोगे, तो इससे तो मल्टीटास्किंग हो रहा है, अदरवाइज फिल्म को बनने में 20 साल लग जाए। अगर 250 आदमी 35 कंट्री में एक साथ काम नहीं करेंगे तो 200 साल लग जाए। इसलिए जब अवतार चल रही थी तो उसमें क्या कहते हैं, 35 कंट्री में एक साथ काम चल, तो वो जल्दी 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 उसका हो गया। तो वीटा इफेक्ट से न्यूजीलैंड में है, उसमें इंडिया में भी लोग काम करते हैं, इंडिया में बहुत सारी, बॉम्बे में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, तो वो लोग करते हैं वहाँ पे काम, तो वो करके अपना आउटसोर्स करते हैं और यहाँ चीपर होता है, सस्ता हो जाता है यहाँ पे, जबकि हॉलीवुड वगैरह में बहुत महंगा पड़ता है। ये है रियल लोकेशन वर्सेस सेट डायरेक्शन, ये है अब आ जाओ इसमें आर्ट डायरेक्शन। इंडिया का कोई बेस्ट नाम है आपको मालूम आर्ट डायरेक्टर का, कोई ऐसा जो शेखर उज्जैनवाल, दिल्ली के ओल्डेस्ट टाइम मोस्ट राउंड शेखर उज्जैनवाल थे, नितिन देसाई हैं जिन्होंने भी सुसाइड कर लिया अनफॉर्चुनेटली, बहुत सी फिल्में देवदास, बैडमिंट क्वीन, बड़ी बड़ी जिसमें सेट की फिल्में वैसी बनती थी वो उन्होंने किया, नितिन देसाई नंबर वन आर्ट डायरेक्टर थे, हाँ संजय देव भंसाली के वो हुआ करते थे, सारा वही करते थे, हाँ नितिन देसाई, अशोका जो शाहरुख खान के अशोका आई थी उसका भी उन्होंने किया, तो नितिन देसाई। तो जब हम कोई हिस्टोरिया मैदान, अभी मैदान उसकी आ रही है, अजय देवगन की फिल्म आ रही है, तो मैदान का पूरा सेट बनाया गया था, बोनी कपूर ने बनवाया था, इत्तेफाक से वो तूफान एक आया और वो सेट पूरा बर्बाद हो गया मैदान का, तो वो काफ़ी उनका नुकसान भी हुआ इस तरीके से। तो सेट डिज़ाइनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब तक सेट डिज़ाइनिंग कम्प्लीट नहीं होगा फिल्म शुरू नहीं। तो इसके लिए आर्ट डायरेक्टर आपसे कह सकता है कि भाई आपकी हिस्टोरिकल फिल्म है या आपको पूरा स्टेडियम दिखाना है, अब कोई स्टेडियम आपको 6 महीने के लिए दे नहीं देगा, तो आप उसको पूरा बनाओ। इसी तरह महल है, महल दिखाना है तो आपको सेट बनाना पड़ेगा, सेट जब बनाना पड़ता है तो उसके लिए आपको 6 मंथ 1 ईयर से प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी शूटिंग आप 1 साल बाद शुरू करोगे, तो वो सेट डिज़ाइनर अपना काम करता रहता है, उसका बजट दे दिया, वो काम चालू रहता है। और बॉम्बे महाराष्ट्र में कर्जत एरिया में बड़े बड़े सेट, तुम्हें जब जाओगे वहाँ पे बड़े बड़े सेट लगे हुए मिलेंगे, कोई महाराणा प्रताप की शूटिंग चल रही, कहीं कहीं शूटिंग चल रही, फिल्म सिटी में काफ़ी सेट लगे, और फिर उसको डिसमेंटल कर देते हैं सेट बनाने के बाद। तो सेट में अच्छा खासा पैसा, अभी जैसे अजय देवगन की जो मैदान आ रही है इसको स्टेडियम पूरा बनाया, उसमें जो दिखाया 25 करोड़ रुपये सिर्फ सेट में गया है अजय देवगन। तो सेट डिज़ाइनिंग, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक ये हो गया कि अपना बनाना है और एक रियल लोकेशन पे शूट करना है। रियल लोकेशन पे फ़ायदा क्या है कि आपको कुछ करना नहीं है, जैसे आपने एक गवर्नमेंट का ऑफिस में क्लर्क का वो दिखाना है कि भाई हम जहाँ जन्म
बर्थ प्रमाण पत्र वगैरह जहाँ पे देते हैं उनका शूट करना है, आपने उनसे लिया, उन्होंने बोला 5000 हमको लेना है एक दिन का, 5000 लगे, ठीक है आपने बैठा, आपको सब फाइलें कुछ नहीं करना, नेचुरल लुक भी आ गया, आजकल सीरीज में वैसे ही करते हैं, ठीक है, तब नेचुरल लुक आ गया, कुछ करना नहीं ऑर्डिनेटर को। लेकिन आप जब उसका सेट बनाओगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन सेट बनाना इसलिए मजबूरी है कि 5-6 महीने शूटिंग चल रही है, तो 6 महीने के लिए तो कोई आपको देखो तब सेट बनाओ, अदरवाइज आप रियल लोकेशन में शूट कर सकते हो सस्ते में। लेकिन रियल लोकेशन में आपको फ्रीडम नहीं रहेगी, वहाँ पे पब्लिक का, क्राउड का, ट्रैफिक का, दुनिया भर की परमिशन, फिर उसमें लाइटिंग का, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आएगी सेट डिज़ाइन में। वो दिक्कत जहाँ आपने लाइट लगा दी ना वहीं पर लाइट लगी एक महीना बाद, कोई उखाड़ने वाला लाइट नहीं है, तो वो सेट डिज़ाइनिंग में फ्री माइंड होकर लोग काम करते हैं, साइलेंस रहता है, वहाँ साइलेंस नहीं रहेगा, दुनिया भर की दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आपको एक दो सीन शूट करना है, कम बजट है आपका, तो आप रियल लोकेशन चूज कर सकते हैं। ये आ जाओ, ये बैकग्राउंड स्कोर है, बस ये लास्ट एक दो स्लाइड है। बैकग्राउंड स्कोर ब्रीथ्स लाइफ इनटू फिल्म। बैकग्राउंड स्कोर इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल म्यूजिक। ओरिजिनल म्यूजिक तो सॉन्ग वगैरह का जो भी हो गया, जो जिसे 4 गाने 5 गाने हैं, तो वो तो डिफरेंट हो गया। कभी कभी हॉलीवुड फिल्म में भी टाइटल सॉन्ग होते हैं तो वो अलग हो गया, ठीक है, टाइटैनिक का टाइटल सॉन्ग था। लेकिन बैकग्राउंड स्कोर इज द रियल म्यूजिक ऑफ द फिल्म, वो जान डाल देती है फिल्म में। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके के ट्यून, डायरेक्टर को कम से कम इतना सेंस होना चाहिए कि हमारे स्टोरी को, हमारे कैरेक्टर्स की इमोशनल जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको इन्हांस करने के लिए हमें किस तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। मान लिया कहीं पे सैड है, कहीं पे पार्टीशन हो रहा है, कहीं पे सेपरेशन का सीन दिखाना है, तो वहाँ पे वायलिन का म्यूजिक डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें मैंने 2 फिल्में दिया है, क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, ये फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग सुनना, ज़बरदस्त है, इसको ऑस्कर भी मिला हुआ है, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का आपको ऑस्कर भी मिला हुआ है। मिस्टर टैंग करके हैं, चाइनीज एक हैं म्यूजिक डायरेक्टर जो हॉलीवुड में रहते हैं, उन्होंने इसका म्यूजिक दिया है, तो ये बहुत अच्छी बैकग्राउंड म्यूजिक है और पूरे फिल्म के मूड को इन्हांस करती है बैकग्राउंड म्यूजिक। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक एक चीज़ और देखना, कभी कभी तुम देखोगे बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज़्यादा लाउड रहती है, हमें उस लाउडपन से बचना है। हमारी फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड नहीं होनी चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा कहाँ पर उठना है, कहाँ पर गिरना है, कहाँ पर साइलेंट आना है। बैकग्राउंड म्यूजिक अभी देखो, कार ड्राइव कर रहे हैं या कोई जा रहा है, नाव चल रही है, बोट चल रही, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही, क्योंकि वहाँ पे साइलेंस से इन्हांस कर रहा है। जैसे ही करेक्टर एंटर करता है डायलॉग शुरू होने को, वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक कट हो जाता है, वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक में साइलेंस को भी एक्सप्लोर करना है आपको। ऑलवेज नो द पावर ऑफ साइलेंस, कहाँ पर हमें साइलेंट रहना है, कहाँ पर स्कोर को लो करना है, कहाँ पर हाई करना है, और कौन सा ट्यून रखना है, किस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना है, दिस शुड बी इन योर माइंड। ये जरूरी है, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, किसी चीज़ को ओवर पावर नहीं करना, चाहे वो मेकअप हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ से ललचाना नहीं है कि यार ये तो बड़ी अच्छी म्यूजिक है इसको डाल देते हैं, ललचाना नहीं, कहीं भी लालच नहीं करना, हमेशा सेल्फ रिस्ट्रेंट इज द रियल थिंग। कुछ हमारा ये सिनेमा स्पेसिफिक वर्ड एंड फ्रेजेस है। ब्लॉकबस्टर तो ये सबको मालूम ही होगा, ब्लॉकबस्टर मतलब सुपर डुपर हिट। बेसिकली ब्लॉकबस्टर वर्ड जो है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। तो एक ऐसा बम होता था सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो पूरा का पूरा आर्मी के ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर देता था, तो उस बम को ब्लॉकबस्टर बोलते थे। तो उसी ब्लॉकबस्टर, उसी वर्ड को हॉलीवुड ने वहाँ इस्तेमाल किया, जब फिल्म हमारी सुपर डुपर हिट हो जाती है उसको ब्लॉकबस्टर बोलते। आर्टियर उसने बताया था ना आपको, जब आप उस लेवल को पहुंच जाए जहां की आपकी सारी फिल्में एक ही मतलब एक जैसी लगे, उसको देख के लोग बता दें उसकी फिल्म है, और उस लेवल पे जब आप टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं तब जाके आपको आर्टियर बोला जाता है। बॉक्स ऑफिस मैंने बता दिया, प्रिंट जो फिल्म आती है उसको हम प्रिंट बोलते हैं, अभी हम चिप में आती है, ऐसे पहले प्रिंट रहती थी तो इसलिए हम उसको प्रिंट बोलते थे, अभी चिप में आती है।
कलेक्शन मैंने रेवेन्यू कलेक्शन का बता दिया, फर्स्ट वीक कलेक्शन क्या, सेकंड वीक कलेक्शन क्या है, सर्किट किसको बोलते हैं, जैसे कि कितने सर्किट हैं इंडिया में, जैसे 7 सर्किट्स हैं शायद, 7-8 सर्किट्स हैं। उसमें क्या होता है कि एक नॉर्थ सर्किट, नॉर्थ में नॉर्थ इंडिया आ गया, बिहार आ गया, एक वेस्ट सर्किट है जिसमें वेस्ट एंड दिल्ली, तो ये पंजाब दिल्ली ये सर्किट आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ जो होता है वो सर्किट वाइज होता है, तो जो फिल बिकती है वो सर्किट वाइज बिकती है कि इस सर्किट का इतना पैसा, इस सर्किट का इतना, सर्किट सर्किट वाइज पैसा मिलता है। कॉपी राइट्स एंड आईपी, आईपी का फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कल को आप अगर कुछ लिखते हो, आप कोई लोगो बनाते हो, आप कोई चीज़ करते हो, तो कॉपीराइट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का अपना है, जो HRD मिनिस्ट्री या शायद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वैसे उसमें है, वो कॉपीराइट कराना बहुत ज़रूरी है। ये 500 में कॉपीराइट हो जाता है। तो अगर आप कोई भी लोगो बनाते हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर हो या कोई भी हो, या कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करते हो, तो आप उसको कॉपीराइट भी करा सकते हो। और ये ज़रूरी है कॉपीराइट कराना, ताकि आपका जो आपने की चीज़ चोरी ना होने पाए, कोई रिप्लीकेट ना करने पाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी बोलते हैं इसको। ब्रेक इवन, वही बिजनेस वर्ड है, जब आपकी फिल्म ब्रेक इवन करती है या बिजनेस ब्रेक इवन करता है, जब प्रॉफिट पे आप आ जाते हो, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कवर हो जाती है, अब ये लगता है कि इसके बाद हमें प्रॉफिट में आएंगे, उसको ब्रेक इवन बोलते हैं। क्रिसेंडो हम आपको उस दिन बता दिया, जब इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड या म्यूजिक का जब बिल्कुल टॉप लेवल पर पहुँच जाती है, जहाँ जिसके बाद साइलेंस आ जाता है, उसको क्रिसेंडो कहते हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। इमोशनल कैथारसिस बताया उस दिन, जहाँ पे जब आप फिल्म देख के निकलते हो, तो आपका ऑल इमोशंस आर स्पेंट अप और आपको इमोशनल कैथारसिस की फीलिंग आती है। पोएटिक जस्टिस, गुड इज रिवार्डेड, बैड इज पनिश्ड, दैट इज कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। सीक्वल एंड प्रीक्वल मालूम ही होगा, सीक्वल आने वाली, प्रीक्वल पहले, हाँ जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की प्रीक्वल बनी, तो प्रीक्वल भी बनाते हैं, ट्रिलोजी ट्राइलोजी जो भी बोलते हैं इसको, तीन पार्ट में, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 3 पार्ट में है, बहुत सारी फिल्में 3 पार्ट में, उसको ट्राइलोजी हो गया, ट्रिलोजी। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी गर्ल्स होती थी पहले, उनको बोला जाता था, अभी कॉन्टिन्यूटी डिपार्टमेंट होता है फिल्म में। ये इसके लिए पहले तो क्या होता था कि कैमरा तो स्टिल कैमरा ही होता था, तो लोग करते थे कि जैसे कोई शॉट चल रहा है तो सारा फोटो खींच के रख लेते थे, अब उस फोटो खींच के रख लेते थे ताकि इसने राइट हैंड में, अब पता चला नेक्स्ट सीन में कोई चीज़ मिसिंग है, तो वो कॉन्टिन्यूटी जर्क आ जाता। तो ऐसा माना जाता था कि लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करती हैं, तो फिल्म में हमेशा लड़कियों को ही रखा जाता था कॉन्टिन्यूटी, कि ज्वेलरी में कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई कपड़े में कोई चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा था कि उस सीन में दुपट्टा इधर था पलटा हुआ, अभी दूसरे को मतलब दुपट्टा लटका हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि जब एडिटर शॉट कट करेगा तो उसको तो मैच कराएगा सारे शॉट, क्योंकि पता चला एक शॉट में ऐसा है, क्लोजअप में चेंज, क्लोजअप में दुपट्टा ही गायब या कोई चीज़ गायब, तो वो उसके लिए कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अभी तो मोबाइल फ़ोन से है, सारा खींच खींच के रखते हैं, लेकिन इसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर इस काम को नहीं करता, तो कॉन्टिन्यूटी डिपार्टमेंट होता है और जो चीज़ को मेंटेन करता है। तो अभी हम आपको एक फिल्म दिखाएंगे, छोटी सी शॉट है, कि किस तरीके से मिनिमम डायलॉग, जैसा कि मैंने आपको बताया, शायद सिग्नल ही चला गया, बैटरी ख़त्म हो गई, समवन कैन कॉल दैट IT एक्सपर्ट, देख लो IT वाला कोई हो तो। ऑन है ना नहीं रिकॉर्डिंग जी, अपने आप ही सिग्नल चला गया, या तो बैटरी लो है क्या इसकी, ऑन है, वो ऑफ था, इसीलिए शायद बैटरी लो दिखा रहा था, एक मिनट। नहीं ऑन हो जाए बस, एक वो नेट चाहिए था, ऑडियो चाहिए ना सर, हाँ ऑडियो चाहिए, टीवी ऑन कर, हाँ ये बंद था, मुझे लगा था अभी ऐसा, ये ऑन हो गया था।
एडिट पासवर्ड साइनिंग अच्छा ये आ गया। चलो बाकी कॉल शीट ये जो एक्टर्स को बुलाना है टीम मेंबर्स को बुलाना है तो एक कॉल शीट बनानी पड़ती है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर करता है कि इस डेट पे इस एक्टर को इस लोकेशन पे इतने बजे बुलाना है, तो आपको पहले से इत्तला करके रखनी पड़ेगी उसको, ठीक है, प्री इन्फॉर्म करना पड़ेगा कल आपका है इतने बजे का है, तो वो कॉल शीट बुलानी पड़ेगी, उस हिसाब से सारे करेक्टर्स आते हैं। ब्लॉकिंग क्या होता है कि जब आप सेट पे शूट कर रहे होते तो करेक्टर्स की ब्लॉकिंग करनी पड़ती है, एक्टर्स की ब्लॉकिंग करनी पड़ती है कि इससे ज़्यादा आप मूव नहीं करते, उसके लिए टेप लगाते हैं, छोटे छोटे येलो कलर के टेप लगा देते तो एक्टर्स को क्यू मिल जाता है कि हमें यहाँ पर आकर रुकना है, इससे ज़्यादा अगर आगे गए ना तो कैमरा से आउट चल निकल जाएंगे, तो ये ब्लॉकिंग हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसके बाद एक छोटा से एक फिल्म दिखाना चाहता हूँ। एक सीन है कि जहाँ पे जैसे उस दिन हमने आपसे बताया था ना कि थिएटर में ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग बोलना पड़ता है और स्क्रीन में मिनिमम डायलॉग मैक्सिमम इम्पैक्ट हमें चाहिए, मतलब हमें कभी कभी स्क्रीन जब भी आप स्क्रीन के लिए लिखो ना तो ये सोच के लिखो कि डायलॉग हो ही ना तो अच्छा है, ना ही हो तो अच्छा है, मतलब इस हद तक ऊपर चले जाओ, अपनी थिंकिंग ऊपर कर लो जहाँ पे आपको डायलॉग की ज़रूरत ही ना पड़े, कम से कम डायलॉग, क्योंकि विजुअल आप सिनेमा दिखा रहे हो, सिनेमा में हर चीज़ खुद ही क्लियर होनी चाहिए, डायलॉग की ज़रूरत क्या है, डायलॉग उतना ही रखो, हर वर्ड नाप तौल के रखना है, फालतू की चौरेबाजी ये सब नहीं करना। सिनेमा इज़ ऑल अबाउट एक्शन एंड मोशन, मोशन एंड इमोशन, मोशन और इमोशन को दिखाना है, एक्शन को दिखाना है, दो आदमी बैठ कर कॉफ़ी पी रहे हैं ये काम कभी नहीं करना, ठीक है, कि कॉफ़ी पी रहे हैं और लंबी चौड़ी बातचीत चली, ऑडियंस बोर हो जाएगा, भाग जाएगा ऑडियंस, तो हमें कहीं भी ऑडियंस को, अगर ऑडियंस को आप बोर कर रहे हो, आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हो, उसने 100 रुपये का टिकट खरीदा है, 500 रुपये का टिकट खरीदा है, तुम्हारा इस कॉफ़ी पीने के लिए खरीदा है, कॉफ़ी बैठ के तुम 10 मिनट बातें कर रहे हो, इसके लिए हमने टिकट नहीं खरीदा, ठीक है, ये चीज़ है, फिल्म है। और ये वर्ल्ड वार टू पे जितनी भी 100 साल में फिल्में बनी हैं उसमें नंबर वन है वर्ल्ड वार टू पे, और ये 1998 में आई, 8 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड थी जिसमें सारे टेक्निकल अवार्ड्स थे, और इसमें से 5 या 6 इसको मिले हैं, जिसमें कि साउंड बेस्ट साउंड और बेस्ट साउंड की एडिटिंग, कहाँ पे साउंड एंड होना है उसको एडिटिंग बोलते हैं, साउंड की भी एडिटिंग होती है, ये नहीं कि साउंड देते चले गए देते, साउंड कहाँ पे कट होना है उसकी भी एडिटिंग होती है, उसका भी अलग आस्कर है, तो साउंड एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग, डायरेक्शन, इसका आस्कर मिला हुआ था। टॉम हैंक्स की फिल्म है, बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए थे लेकिन मिला नहीं था, फॉरेस्ट गैम्प वाला एक्टर टॉम हैंक्स, ये भी टॉप 10 में वहाँ एक्टिंग में माने जाते हैं। तो ये एक सीन है जिसमें कि मिलिट्री वाले दो लोग हैं, उसमें एक मिलिट्री का प्रीस्ट है और एक नॉर्मल सैनिक है, कार से आते हैं, जिस सैनिक की डेथ हुई है उसकी मदर को इत्तला कर दें, ये मिलिट्री का उसूल रहा है हमेशा से, इंडिया में भी पहले ऐसा होता था, पोस्ट ऑफिस से लेटर आता था या मिलिट्री वाले खुद आके बताते थे कि आपकी मतलब सेक्रीफाइस हुआ है, आपका सन है ऐसा, तो वो सीन बताने का है। इसमें देखना, इस सीन में 8 या 9 शॉट्स हैं, सिर्फ 8 शॉट्स हैं, कहीं भी कोई डायलॉग नहीं और सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब क्लियर है, ना मदर डायलॉग बोलती है, ना चिल्लम चाली किसी तरीके के, हाय मेरा बेटा मर गया और चिल्लम चाली चालू, ना उधर वो लोग कोई डायलॉग के तुम्हारा बेटा मर गया, कुछ नहीं है। तो ये एक सीन है छोटा सा, और इसकी सिनेमाटोग्राफी आप देखना, अपना लीजियस इंडिया का जूसियस चिकन हो ऑफिशियल रवि बाबा मैंने फिश की थोड़ी कब से बना देखो सब अच्छा ये 20 सब अच्छा जो आपको पता है बस अब ऑफिशियल है डिलीशियस आ गया इंडियास जूसियस चिकन तुमके बने जा ये नहीं रहे, नहीं आ नहीं रहा उसका आइकन,
देखो किस किस तरीके शॉर्ट पर्दे के आड़ से लिए गए हैं। देखना विड मिल है, अब इसको एहसास हुआ। अब देखो साइकोलॉजिकल एंगलिंग है ये। अब यहाँ पे बच्चों उसकी बेटों की तस्वीरें रखी हुई मिलेंगी, ये देखो। एक छोटा सा है जिसमें कि ये सेविंग प्राइवेट रियान बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा एक्लेम्ड फिल्म थी। मतलब इसने वर्ल्ड वार, जिसने इसने इस फिल्म को देखा उसने हिला के रख दिया। ये एंटी वार फिल्म है और इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि वार नहीं होनी चाहिए, कहीं भी जंग नहीं होनी चाहिए। मतलब इतना रियलिस्टिक फिल्म बनाया इसके लिए स्टीवन स्पीलबर्ग ने रियल गोलियाँ चलवाई, रियल फिल्म में गोलियां चलवाई हैं और बहुत ही एक्टर्स, कई एक्टर्स घायल भी हुए इसमें। और इसमें जो 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 नॉर्मेंडी बीच पे जो इनिशियल शॉट है, जो इसमें दो दो सीन ऐसे हैं जिसमें कि तकरीबन 15-15 मिनट 20-20 मिनट के सीन हैं। एक सीन शुरू का नॉर्मेंडी बीच का और एक सीन बीच में है जो सिर्फ फाइटिंग का है, जो सिर्फ उसका है। उसने हिला के रख दिया है पब्लिक को। मतलब एक जगह इसको डायरेक्शन बोलते हैं कि कभी आज तक आपने नहीं सुना होगा कि जब हम कभी, आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि कभी कभी आपका कान ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और जब कान आपका ब्लॉक या पानी चला गया, कोई बात हो गई, तो आप देखोगे कि आप लोगों की हरकतें तो देखोगे लेकिन क्या सुनाई दे रहा है, क्या हो रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा। उस चीज़ को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। चूँकि वो गोलियों के छर्रे तमाम उड़ रहे हैं, पानी उड़ रहा है, तो वो टॉम हैंक्स का कान ब्लॉक हो जाता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखाया गया है। गोलियां तो चल रही, सब लोग, चीज़ें गिर रही हैं, लोग डिस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन साउंड नहीं, साइलेंस में हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें जो ये शॉट दिखाया गया, अब इसमें मान के चलो, देखो फर्स्ट पहले ही इस्टेब्लिशिंग शॉट लिया गया। ये देखो एक स्टेब्लिशिंग शॉट कार इंटर किया, पहला शॉट है ना। अब पहला शॉट ये चला, अब ये दूसरा शॉट, ये किचन में कुछ मदर बना रहे हैं। अब इसके ये कपड़े लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें कर्टन से लगे हुए हैं। अब ये कर्टन से के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर देखना, अब ये स्टार से दिखा दिया हमने कि आर्मी के स्टार से लगे हुए हैं, ये कर्टन कपड़े धो रही है। अब यहाँ पे कोई इंडियन डायरेक्टर होता या कुछ और होता, कम पढ़ा लिखा डायरेक्टर या कम सुलझा हुआ, वो पहले जैसे ही सर ऊँचा करती है पहली बार बता देता कि वो मिलिट्री वाले आ रहे हैं। देखो अब इसको दूसरी बार एहसास हुआ, पहली बार भी इग्नोर कर दिया इसने। ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन समझ गए ना, पहली बार भी इसने इग्नोर किया, दूसरी बार भी इसको एहसास हो गया कुछ गलत नहीं जानता, क्योंकि ऐसे मिलिट्री आदि नहीं करते। अब ये देखो कर्टन की आड़ से वो देखो पूरा सेम शॉट लिया गया। फिर ये तीसरा चौथा शॉट, चार शॉट गए, पाँचवा शॉट। अब यहाँ से मूव देखो, इसका दिल बैठ गया, दिल बैठ गया, कैरेक्टर का दिल बैठा हुआ है, अंदर से टूट गई। यहाँ पे क्यों फोटो फ्रेमिंग रखी गई है, इसके पहले ही सारे वो जिस बच्चे की डेथ की न्यूज है उसके फोटो रखे हुए हैं सिंबॉलिक। ये डायरेक्शन है, कहाँ पे प्रॉपर्टी रखनी है यहाँ पे। अब ये देखो कैमरा कहाँ लगाया इसने, फोटो लगातार दिखती रहे और वो लेडी रहे, तीनों मतलब ये चीज भी आ गई, ये चीज भी आ गई, ये चीज भी आ गई, इसको कहते हैं डायरेक्शन। सारी चीजें क्लियर है, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ म्यूजिक। ये देखो इसने आगे, ये पादरी है, ये प्रीस्ट है मिलिट्री का और मिलिट्री वाले, क्लियर है कि डेथ हो चुकी है। तो ये इस सीन से, इसमें वो